कि इस मंडली में एक कृष्ण का गीता सुनाई संस्कृत निष्ठ एक शिष्ट प्रेमी का फंसी मैंने कहा जीवन के परिशिष्ट में को मिली भूमिका में कहां गई थी तू मेरी इस मंडली में एक कृष्ण कविता सुनाई संस्कृत निष्ठ एक शिष्ट प्रेमी का फंसी मैंने कहा जीवन के परिशिष्ट में क्यों मिली भूमिका में कहां गई थी तू मेरी उर्वशी भूमिका में कहीं कहां गई थी तू मेरी उर्वशी चलने को उद्यत हुआ मैं हाथ पकड़ के जकड़ के बोली हंस कर क्रूरसी हंसी कुत्सित कुदृष्टि से उच्छिष्ट कर दिया दुष्ट अब मुझे छोड़कर तुम कुत्र गच्छसी संस्कृत के बागीश संस्कृत का प्रोफेसर ऐसी है तुम कुत्र गच्छसी अभी ने ये सब समझ गए होंगे कि बस कपड़े ही सफेद है बाकी मन उतना ही काला है अच्छा एक देखिए चंद एक आजकल कुछ डे मनाया आपकी मस्ती के लिए कुछ सुना रहा हूँ फिर दूसरे चंद सुना रहा बड़े बड़े फादर्स डे मदर्स डे पहले कुछ नहीं मनाया था हमको जन्मदिन याद नहीं रहता था तो बुजुर्ग लोग जानते हैं जन्मदिन मनाने की प्रथा ही नहीं थी जन्मदिन होता क्या है अब एक नया डे आया मुसीबत वाला वैलेंटाइन डे और दिल्ली में तो विशेष मुसीबत आप जानते कर्नाट प्रेस में पहरा लगाना पड़ता है उस दिन पुलिस का अभद्र असभ्य असंस्कृत हमारे यहाँ तो होली महीने तक मनाई जाती थी पहले आप जानते एक महीने तक होली मनती थी रात को गाते थे नगाड़े बजते थे सारी रात गीत गाती थी महिलाएं वो वक्त पता नहीं कहाँ चला गया रंगों से होली खेलते थे मधोत्सव होता था बसंतोत्सव होते थे इतने संभ्रांत सब शिष्ट लेकिन ये पता नहीं क्या मुसीबत आई तो मैं तो गाँव का रहने वाला साहब आप भी ये गाँव ही था पहले यहाँ और आप में से अधिकतर लोग गाँव से ही आए हैं तो हम तो पक्षियों को देखते थे विशेषकर मैं तो पक्षियों में बड़ा विशेष आकर्षण था उनके प्रति मेरा तो चिड़िया चिड़िया कबूतरों के जोड़े को देखता था आज भी मेरे घर के खिड़की पर दरवाजे पर चिड़िया चिड़िया आकर बैठ जाए आपने भी उनकी क्रियाकलाप देखे होंगे सीधी सी बात है उनके माध्यम से मैंने वैलेंटाइन डे मनाया देखे आपको अच्छा लगे तो आप के पाश्चात्य सभ्यता की नग्नता में मग्न है जो पाश्चात्य सभ्यता की नग्नता में मग्न है जो खिल्ली उनकी उड़ाते हैं ये चीड़े चिड़िया कभी तो किवाड़ कभी खिड़की पे बैठकर प्रेम भरे गीत गाते हैं ये चीड़े चिड़िया प्रेम भरे गीत गाते हैं ये चीड़े चिड़िया आई लव माई लव ची 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 चू 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 भाषा के पास चाहे सभ्यता की नग्नता में मग्न है जो खिल्ली उनकी उड़ाते हैं ये चीड़े चिड़िया कभी तो किवाड़ कभी खिड़की पे बैठकर प्रेम भरे गीत गाते हैं ये चीड़े चिड़िया आई लव माई लव ची 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 चू 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 मा चू मीचे चाहते हैं ये चीड़े आई लव माई लव ची 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 चू 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 मा चू मीचे चाहते हैं ये चीड़े चिड़िया तुम साल में मनाते एक दिन प्रतिदिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चीड़े चिड़िया वैलेंटाइन और छंद उसके किसी फरमाइश भी की है किसी रसिक श्रोता ने एक अंग्रेजी का शब्द फ्रेंच बात आपने सुना भी होगा शायद पहले मैं मुझसे इसका अर्थ होता है निर्वस्त्र होकर स्नान करना हमारी सभ्यता में वर्जित आप जानते कोई आदमी बिना वस्त्रों को नहाता हुआ नहीं मिलेगा चाहे वो किसी जोड़ में तालाब पर नहा रहा हो लेकिन कोई ना कोई वस्त्र लपेट करना चाहे देखने वाला कोई ना हो लेकिन हम सीखे ही नहीं बिना कपड़ों के पहन नहाना गमछा तोलिया धोती जो भी लपेट कर लेकिन आज तो जरूर से ज्यादा एडवांस हो गए हैं लोग वो यहाँ दिल्ली में मैंने सुनाया कुछ 5-star होटलों में पुरुष सामूहिक रूप से निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को बड़ा नहीं समझेंगे आजकल एडवांस होने का मतलब आज भी इतना नंगा होगा उतना एडवांस उतना ही महान और हम जैसे लोग कहेंगे साहब बड़े आदमी कुछ भी कर सकते हैं नंगे घूमने भी लगे तो हम क्या कर लेंगे उनके बच्चों की तो पोशाक आपने देखी है वस्त्र कहाँ से कहाँ तक आ गए तो आप वो नंगे नंगेपन से भी खराब है तो इसको आप ध्यान में रखें लेकिन मैंने सिद्ध किया है कि भाई ये फ्रेंच बात हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं पश्चिम से उधार नहीं लिया आपने फ्रांस से उधार नहीं लिया है
कि दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता था कभी मिलाने को, अब एक हाथ ले रहा हूं मैं। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता था कभी मिलाने को, अब एक हाथ ले रहा हूं मैं। धूल भरी पग डंडी पगों से बिछुड़ गई, चलने के लिए फुटपाथ ले रहा हूं मैं। पूरब का सूरज न पूरब में डूब जाए, पश्चिम की सभ्यता को साथ ले रहा हूं मैं। बचपन में नहाता था मैं नंगा बारी से, मैं मुझे क्या पता था फ्रेंच बाथ ले रहा हूं। तो ये तो हम सब बचपन में ले चुके हैं आपस से बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए, एक यथार्थ का चिन्ह मैं सुनाता हूं। हमारे यहाँ भक्ति भावना भी लोग बहुत करते हैं, लेकिन भक्तों में कितनी भावना, कैसी भावना होती है? तो एक जिस संत का नाम लेता हूँ, उनके प्रति बड़ी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मैं भक्तों की बात करता हूँ। ये कटु यथार्थ है कि आसाराम बाबू जी की कथा सुनने गया था। दूरदर्शन पे बहुत आते हैं, प्रभावित हुआ, दिल्ली में था उनका प्रचार, मैं भी चला गया। आसाराम बाबू जी की कथा सुनने गया था, कथा तो सरस्वती सभा भी घन घोर थी। दो भागों में बापू जी ने सभा को बांटा हुआ था, दो भागों में बापू जी ने सभा को बांटा हुआ था। एक भाग सूखाग्रस्त, दूसरे में हिलोर थी। एक भाग सूखाग्रस्त के दो भागों में बापू जी ने सभा को बांटा हुआ था। एक भाग सूखाग्रस्त, दूजे में ही लोड़ थी। मैं कहां बैठा था इसका तो मुझे होश नहीं, मैं कहां बैठा था इसका तो मुझे होश नहीं। कान थे बापू की और आंखें कहीं और। मैं कहां बैठा था इसका तो मुझे होश नहीं, कान थे बापू की और आंखें कहीं और थी। कवि बना है कथावाचक क्यों नहीं बना, सारी रात पीड़ा मुझे रही झकझोर की, सारी रात पीड़ा। तो एक कष्ट आपको क्षण अपने मन के, मैं आपको सुना रहा हूं, आप उन पर मैंने हंसा दिया आपको। अब कुछ मन के छंद एक दिन हम जरूर सुनाऊंगा। देखिए, जीवन में दुख सुख लाभ हानि हमेशा नहीं आते, नहीं रहते सदा, लेकिन आदमी एक समान रहे, क्योंकि आप में सब लोगों ने, हमने भी कभी कोठियां हमारे पास नहीं थी, सबने गरीबी से जीवन शुरू की है। कभी हम स्कूल में जाते थे, पाँव में जूतियाँ नहीं होती थी, तो लोग गांव में पढ़े हो जानते हैं, एक पाँव पर दूसरा पाँव रख लेते थे ठंडक के लिए। वो दिन हमने देखा, हमारा दुख का सारा जीवन गांव में बीता है। आंसू पिए जा रहा हूँ मैं, दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं। आंसू तूने दिए, आंसू पिए जा रहा हूँ मैं। सुख दुख तूने दिए, मैंने कभी ना शिकायत की। सुख दिए तूने, सुख लिए जा रहा हूँ मैं। पतित हूँ मैं तो तू भी तो पतित पावन है, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूँ मैं। और अगली पंक्तियां कुमार भी सुन रहा था कि भगवान के अंधेर भी और अंधेर भी है, तो सोचते थे अगले साल आएंगे कि नहीं आएंगे। कि पतित हूं मैं तो तू भी तो पतित पावन है, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूं मैं। मृत्यु का बुलावा जब भेजेगा तो आ जाऊंगा, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं। तूने कहा जिए जा तो जिए, जो कुछ है उसकी इच्छा से हो रहा है, अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते। एक दो छंद और देखें कि बचपन में खिलौने जवानी में जोश, और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता। बचपन में खिलौने जवानी में जोश, और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है। संपत्ति में साथ देने तो हजारों आ जाते हैं, विपत्ति में प्रभु का मनन साथ देता है। विपत्ति में प्रभु का मनन साथ देता है। तन स्वस्थ रहे तो ये मन भी ना होता पस्त, मन मस्त रहे तो ये तन साथ देता है। हिम्मत के हथियार हाथ से जो खिसके तो तन साथ देता है ना, मन साथ देता है। साथ देता है। और एक धन की महिमा पर मैंने छंद लिखा है मित्रों, नौकरी पेशे वालों के लिए विशेष रूप से मकसद सुना दिया करता हूं। जो लोग रिटायर हो जाते हैं, बहु बेटे बैला फुसला कर सेवा करके सारा पैसा छीन लेते हैं। इतनी सेवा करेंगे, पापा जी ये है, बस लग जाएंगे सेवा में, और जब पूरा पैसा उनका छीन लेंगे फिर देखेंगे क्या व्यवहार होगा। वो बागवान फिल्म देखी होगी आपने, अमिताभ बच्चन वाली, बिल्कुल वही होता है। सामने तो मेरे पड़ोस में सारे क्लर्कों की कॉलोनी है मालवीय नगर में, बहुत से लोगों की हालत देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, इसलिए मैं बड़ा संभल के रहता हूँ। के पैसा पास हो तो बहू बेटे प्यार से कहेंगे,
पैसा पास तो बहू बेटे प्यार से कहेंगे खाने में क्या क्या खाएंगे पापा जी बताइए। पैसा पास हो तो बहू बेटे प्यार से कहेंगे खाने में क्या क्या खाएंगे पापा जी बताइए। पैसा नहीं हो तो रूखी सूखी सब्जी रोटी दे के बहू चिल्ला के कहेगी खाना है तो खाइए। बहू चिल्ला के कहेगी खाना है तो खाइए। धनवान ससुर की बहू पति से कहेगी थक गए होंगे पांव पापा के दबाइए। धनवान ससुर की बहू पति से कहेगी थक गए होंगे पांव पापा के दबाइए। धनहीन से कहेगी टांगे टूट जाएंगी क्या बच्चों को स्कूल तक छोड़ कर आइए। बच्चों को